देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं हम, उसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, x प्लस वाई प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा आप, डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, इसको यहां मल्टीप्लाई किया x प्लस वाई प्लस वन। अगर इस x को यहां ले आए हम तो इसको कितना लिख सकते हैं, माइनस का x इज इक्वल टू दिस। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होगी आपकी, डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, यहां पे p इज इक्वल टू क्या हुआ, p इज इक्वल टू माइनस वन, q इज इक्वल टू वाई प्लस वन, यही मिलेगा। तो ये इंप्लाइज करती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, e पावर इंटीग्रेशन माइनस वन डी वाई दिस इज इक्वल टू e पावर माइनस y। अब हम सॉल्यूशन की बात करें इसके, तो सॉल्यूशन कितना होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू y प्लस वन डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये क्या इंप्लाइज करता है, x e की पावर माइनस y इज इक्वल टू y, इसको एक साथ लिख देते हैं y की पावर y और प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, e की पावर माइनस y का माइनस y e की पावर सॉरी माइनस वन e की पावर y होगा, फिर माइनस का फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन वन होगा इंटू e की पावर y का माइनस, फिर आएगा e की पावर माइनस y हो जाएगा, ठीक है ये मिलेगा। ये तो इसका हुआ, प्लस इसमें एक टर्म और आएगी e की पावर y का करेंगे, प्लस e की पावर कितनी आएगी, ये अगेन इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस वाई प्लस कॉन्स्टेंट सी, इसको सॉल्व कर लीजिए आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है x प्लस टू वाई क्यूब ऑफ डी वाई इज इक्वल टू वाई डी एक्स, इसको सॉल्व करते हैं देखिए। तो क्या मिलेगा हमें, एक्स क्यूब सॉरी x प्लस टू वाई क्यूब ओवर y इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी वाई, ठीक है, इंप्लाइज डी एक्स ओवर डी वाई माइनस एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू कितना, टू वाई स्क्वायर, यही आएगा इसका, इस टर्म को यही रहने दे, उसको उसका ले जाते हैं, फिर कंपेयर कराते हैं इसको, तो हमें p इज इक्वल टू क्या मिलता है, माइनस वन अपॉन वाई, और q क्या मिलता है, टू वाई स्क्वायर, यही मिलेगा। अब अगर हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e पावर इंटीग्रेशन p dy, दिस इंप्लाइज e पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन अपॉन वाई डी वाई इंप्लाइज क्या होगा, e पावर माइनस लॉग ऑफ y का मतलब हो जाएगा वन अपॉन वाई, क्योंकि ऊपर जाएगा ना y पावर माइनस वन e log वन होता है। तो अब सॉल्यूशन लिखता हूं मैं इसका, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉरी x होगा ना यहाँ पे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू कितना q, q कितना है 2y स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट c। तो इसका सॉल्यूशन जो आ जाएगा x अपॉन y इज इक्वल टू y से y कटेगा और 2 बचा तो y स्क्वायर आ गया है प्लस कॉन्स्टेंट c, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इस तरीके से हमें मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, वन प्लस एक्स
dy by dx माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वन माइनस एक्स, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करूंगा मैं, dy by dx माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। कंपेयर कराते हैं तो p इज इक्वल टू हमें मिलता है माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, q हमें मिलता है वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, यही मिलेगा। अब पहले इंटीग्रेशन इसका निकाल लेते हैं, हम माइनस पी डी एक्स निकाल लेते हैं खाली, ठीक है। पी डी एक्स कितना होगा इंटीग्रेशन का, माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। तो इसमें ऐसा करता हूं मैं, माइनस वन प्लस वन ऐड कर देता हूं। अगर ऐसा ऐड किया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन कॉमन लेंगे, माइनस का वन फिर प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स मिलेगा। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहां से तो मिलेगा कितना, dx के रिस्पेक्ट में है माइनस एक्स प्लस लॉग ऑफ वन प्लस एक्स, ये तो इंटीग्रेशन पी डी एक्स मिला ना। हमें चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है e पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है। तो ये हो जाएगा आपका e पावर माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स। कैसे हुआ है, क्योंकि जब e से ऑपरेट करेंगे ना, ये वैल्यू रखेंगे पी डी एक्स की वैल्यू इतनी आ रही, e log 1 हो जाएगा, यहां से 1 प्लस एक्स और ये हो जाएगा, अलग अलग लिख देंगे उसको। अब अगर हम सॉल्यूशन की बात करें इसके, तो सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर माइनस एक्स वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये वन प्लस एक्स से वन प्लस एक्स कटेगा तो सॉल्यूशन जो हमें मिलेगा वाई ई पावर माइनस एक्स वन प्लस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर माइनस एक्स इंटू वन माइनस एक्स डी एक्स। अब तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा ना, ई पावर माइनस एक्स का फिर एक्स ई पावर माइनस एक्स का आप क्या लगा दो, आईजेड लगा दो उसको, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, वन प्लस वाई स्क्वायर, वन प्लस वाई स्क्वायर ऑफ डी एक्स प्लस एक्स माइनस ई पावर टेन इनवर्स वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। इसको करते हैं देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम करें क्या, डी एक्स ओवर डी वाई माइनस एक्स ओवर वन प्लस वाई स्क्वायर को एक साथ लिख देते हैं और ये उस साइड जाएगा तो ये जाएगा e पावर टेन वर्स y अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा ही बनेगा ये कुछ, ठीक है। तो p इज इक्वल टू हमारे पास यहां से मिला वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर और q जो हमें मिला e पावर टेन इनवर्स y अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, e पावर इंटीग्रेशन p dy अगर हम निकालें तो e पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी dy के रिस्पेक्ट में e पावर 10 इनवर्स ऑफ y हो जाएगी, ये आएगा। अब सॉल्यूशन की हम बात करते हैं तो सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा इसका, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कितना, q कितना है e पावर टेन इनवर्स y इंटू e पावर टेन इनवर्स y अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट c, यही आएगा, ठीक है ना। तो जब और सॉल्व किया जाएगा इसको तो x e पावर टेन इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब आप देखिए अगर हम e पावर टेन इनवर्स वाई को टी ले लेते हैं तो वन अपॉन, तो हमें क्या मिलेगा ई पावर टेन इनवर्स वाई इंटू वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर डी टी हो जाएगा। तो ये यही है इसका, ये वाला जो पोर्शन होगा क्या मिल जाएगा हमें डी टी, तो ये जो मिलेगा ये आ जाएगा टी डी टी, क्यों भाई टी डी टी प्लस कॉन्स्टेंट सी,
तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स ई पावर टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टी का कितना होगा, टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस कॉन्स्टेंट सी, दैट इज एक्स ई पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टी। टी हमने क्या माना था, ई पावर टेन इनवर्स वाई, इसका स्क्वायर अपॉन टू प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इंप्लाइज डी वाई ओवर डी एक्स, इसको यहां ले आता हूं मैं, तो माइनस साइन के साथ आएगा ये, और इसको पलट दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई अपॉन, ये टर्म इसके नीचे आएगी, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बनेगी, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक एक्स से कट जाएगा ना। तो यहां अगर कंपेयर कराएं तो हमें क्या मिलता है, देखिएगा पी की जो वैल्यू मिलती है, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन मिलती है, और क्यू की मिलती है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये मिलेगी। अब पहले पीडीएक्स निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएक्स अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू, इसको क्या करता हूं मैं, एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, आसानी हो जाएगी सॉल्व करने के लिए। एस क्यों आसानी होगी वो भी बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं टी लूंगा तो टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी बाई टू रख दिया जाएगा। अब इसको फर्दर जब हम सॉल्व करने लगेंगे तो देखिएगा कैसे होगा ये सॉल्व, तो दिस इम्प्लाइज इसको हम लिख सकते हैं कितना, इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या बन जाएगा, टी माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स, तो डी टी हो गया अपॉन वन बाई टू हो गया, तो ये टी प्लस वन बन जाएगा इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, यही बनेगा, वन बाई टू टी माइनस वन, मैंने एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी लिखा है। अब इस पूरे इंटीग्रल को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, दिस इंप्लाइज मैं पीडीएक्स निकालना चाह रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी प्लस वन माइनस वन अपॉन टू टी लिख दो इसको, डी टी किसको, इसको पूरा सॉल्व कीजिए, यही मिलेगा, ये पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं इसको, दिस इंप्लाइज, अब इसका इंटीग्रेशन कितना मिलेगा आपको, लॉग ऑफ टी प्लस वन माइनस लॉग ऑफ टी पावर वन बाई टू, ये मिलेगा, ये वन अपॉन लॉग टी होगा, और लॉग टी होगा मतलब ये वन बाई टू को ऊपर ले गया, तो ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन पीडीएक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, लॉग ऑफ कितना, टी प्लस वन अपॉन टी पावर वन बाई टू। तो जो इंटीग्रेशन ई की पावर पी डी एक्स मेरा हो जाएगा वो ई पावर लॉग ऑफ टी प्लस वन अपॉन टी पावर वन बाई टू हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो टी की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स मिलेगा। ठीक है, तो ये मिलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा। ठीक, तो सॉल्यूशन अगर हम देखें इसका, तो सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे देखिएगा, सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू, ये कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, कुछ कट रहा है इसमें, इससे ये कटेगा इससे ये कटेगा, तो मिलेगा मुझे कितना, वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू, सिंपल सा है ये, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा ना, कैसे होगा वो भी बता देते हैं आपको, देखें फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड में, तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन कितना होगा एक्स स्क्वायर बाय टू, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स होगा, फिर उसका एक्स स्क्वायर अपॉन टू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी मिलेगा, तो ये आएगा y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स, ये मिलेगा, फिर दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स माइनस, एक एक्स कटेगा ना इससे, तो ये कितना होगा वन बाई टू, इंटीग्रेशन ऑफ x कितना होगा एक्स स्क्वायर बाई टू अगेन, है ना, तो एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस कॉन्स्टेंट c, ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।